सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज के बारे में। बॉडी लैंग्वेज मतलब हमारी बॉडी का पोस्चर, हम कैसा रखते हैं, ये हमारी लाइफ में बहुत मैटर करता है। हम जिंदगी में कई अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं बिकॉज ऑफ पुअर बॉडी लैंग्वेज। जब हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो अल्टीमेट गोल होता है कम्युनिकेशन। नहीं समझे तो देखिए ये क्लिप। Look at this lucky policeman gets to shake hands with the President of the United States. Oh, and here comes the Prime Minister of the... No. इसे कहते हैं मिसकम्युनिकेशन, और ये क्रिएट होता है इम्प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज की वजह से। एक और क्लिप देखिए। अरे एक और है। But there is social media blitz over this awkward moment between the president and Cuban strongman Raul Castro. Castro raised the president's arm just as Obama was about to shake his hand. The result? This limp-wristed moment. Some of the Twitter comments. That's just embarrassing. Seriously, this is weird. खैर, तो ये awkward moments हमारे साथ ना हो, उसी के लिए है ये वीडियो। इन awkward moments की वजह है bodies का एक दूसरे से miscommunicate होना। Yes, हम सिर्फ मुंह से communicate नहीं करते, हमारी पूरी body सामने वाली की body से communicate करती है। तो चलिए बात करते हैं different body postures के बारे में। एक बॉडी पोस्चर है डिफेंसिव पोजीशन, मतलब कुछ इस तरह, मतलब आगे की तरफ थोड़ा झुका हुआ हो और चेहरे पे आपका हाथ वगैरह हो, तो ये हुआ डिफेंसिव। आपने आपके हाथ फोल्ड करके आप बैठे हैं तो ये एक तरीके का डिफेंसिव पोजीशन हुआ। डिफेंसिव मतलब हम डिफेंड कर रहे हैं। हम तब डिफेंड करते हैं जब हमको अटैक का खतरा होता है। तो इसी तरह जब हम कॉन्फिडेंट नहीं होते तो ये डिफेंसिव पोस्चर बना लेते हैं। अच्छा, हैंड फोल्ड कर देना, यानी कोई आपसे बात कर रहा है और आप हैंड फोल्ड करके उसको सुन रहे हो, इसका एक मतलब ये होता है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, उसकी बात में आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। दूसरे भी कई डिफेंसिव पोजीशंस हैं, जैसे कि उंगलियां एक दूसरे में रखना और फिर सामने वाले की बात को सुनना, ये भी एक तरीके का डिफेंसिव पोजीशन माना जाता है। जब भी हम इनमें से किसी भी तरीके से बैठे हों या खड़े हों, समझ लीजिए कि हम एक डिफेंसिव पोजीशन में हैं। और इन डिफेंसिव पोस्चर का एक मतलब ये है कि हम डर रहे हैं। अच्छा, हमारी अच्छी बॉडी लैंग्वेज ये सामने वाले की बात में हमारा इंटरेस्ट बताती है, और उसके बात करते वक्त उसके साथ हमारा एक कनेक्शन भी इस बॉडी लैंग्वेज के जरिए से क्रिएट होता है। इसलिए अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें, इट शोज के यू आर कॉन्फिडेंट, और इससे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से होता है। और जरूरी नहीं है कि जब कोई आपको देख रहा हो तभी आप ठीक से बैठें। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तब कोशिश करें कि आपकी मीटिंग चालू हो या ना हो, मतलब आपका कैमरा ऑन हो या ऑफ, डिसिप्लिन्ड पोजीशन में ही रहें। ऐसा सोचें कि आप ऑफिस में हैं, अदरवाइज अगर हम घर पर घर ही की तरह आराम से टांगे फैलाकर काम कर रहे हैं तो इसका सबसे पहला मतलब तो ये है कि हमको काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरा कि हम ऐसी पोजीशंस में रहकर कोई काम प्रोडक्टिवली और इफेक्टिवली कर ही नहीं पाते। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज के जरिए से हम अपने अंदर एक पावर भी पैदा कर सकते हैं। उसके लिए ये जानना जरूरी है कि बॉडी पोस्चर्स नेचुरली कब और कैसे चेंज होते हैं। जैसे कि अपने आप को सिकुड़ना, ये एक हमारे कमज़ोर होने की निशानी है। जब ह्यूमंस कमज़ोर फील करते हैं तो अपनी बॉडी को सिकुड़ कर बैठते हैं, थोड़ा झुक कर बैठते हैं, और जब हम ताकत महसूस करते हैं, पावरफुल महसूस करते हैं, तो हम अपनी बॉडी को भी एक्सपेंड करते हैं। और जब इसका उल्टा होता है, जब हम पावरलेस फील करते हैं तब हमारी आर्म्स फोल्ड कर लेते हैं। और ये बिहेवियर सिर्फ ह्यूमंस में नहीं बल्कि और स्पीशीज में भी पाया जाता है। तो अब क्या करें, क्योंकि हर कोई पावरफुल नहीं होता, तो हर कोई कॉन्फिडेंट पोस्चर को इख्तियार नहीं कर सकता। लेकिन रिसर्च से ये पता लगाया है कि पावरफुल ना होने के बावजूद अगर हम पावरफुल होने का एक प्रिटेंड करते हैं, अपने बॉडी पोस्चर को ऐसे ही चेंज करते हैं, ऑटोमेटिकली
हम कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, उसी तरीके से जो एक्चुअली पावरफुल इंसान कर सकता है। ये चीज जॉब इंटरव्यू में बहुत काम आ सकती है। अगर आप सही ढंग से स्ट्रेट और कॉन्फिडेंट बैठकर इंटरव्यू देंगे तो आपका इंटरव्यू लेने वाले के साथ एक कनेक्शन बन जाएगा और आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों की इंग्लिश, उनका नॉलेज, उनकी डिग्री, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ पुअर बॉडी लैंग्वेज वो इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं होते। इंटरव्यू टिप्स पर वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद। इस पर एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया है जिसको 2 मिनट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनका इंटरव्यू होने वाला था, उनमें से आधे लोगों से ये कहा गया कि आप 2 मिनट के लिए डिफेंसिव पोस्चर में रहें, और बाकी आधों से कहा गया आप 2 मिनट के लिए पावरफुल पोस्चर में रहें। रिसर्च के बाद ये पता चला कि जो लोग 2 मिनट के लिए पावरफुल पोस्चर में रहे थे, उन्होंने इंटरव्यू को इजीली पास कर लिया। क्योंकि हम जब बात करते हैं तो हमारी बात का सिर्फ 7% ही सामने वाले पे इफेक्ट करता है। कैसे? 738-55 रूल की वजह से। अल्बर्ट मारेबियन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में प्रोफेसर हैं। अल्बर्ट ने 738-55 रूल अपनी रिसर्च से बनाया। ये रूल बताता है कि बात करते वक्त आपकी बात का सामने वाले पे कितना असर होता है। 738-55 रूल के मुताबिक जब आप किसी से बात करते हैं तो आपकी बात का सामने वाले पर पड़ने वाले टोटल 100% असर में से 7% असर आपके वर्ड्स से होता है, 38% असर आपके बोलने के स्टाइल का, और 55% असर आपकी बॉडी लैंग्वेज से होता है। मतलब 55% हम क्या बात कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा हम कैसे बात कर रहे हैं ये मैटर करता है। और लोग भी आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज से जज करते हैं। और पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? वो ऐसा सबकॉन्शियसली करते हैं, मतलब उनको पता भी नहीं होता, लेकिन लोगों का सबकॉन्शियस माइंड अपने आप ही छोटी छोटी बातों को नोट करने लगता है और अपना जजमेंट सप्लाई करने लगता है। इसलिए कुछ सिंपल लेकिन बहुत जरूरी बातें हमको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे हैंडशेक करते वक्त हमारी ग्रिप बहुत ज्यादा टाइट भी ना हो और बहुत ज्यादा लूज भी ना हो। स्माइल सिचुएशन के हिसाब से होनी चाहिए। बात करते वक्त एक नॉर्मल स्माइल हो, बहुत ज्यादा भी ना हो। और हर वक्त हंसते रहना भी कोई अच्छी बात नहीं। कोई हमसे कुछ बात कर रहा है तो हम इधर उधर ना देखें, और बिल्कुल भी उसी को देखते रहना भी, ये भी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। इसलिए थोड़ा दरमियानी तरीका अपनाएं। ओके, टॉकिंग अबाउट एक्सप्रेशंस, जो कि बहुत मैटर करते हैं। जब आप किसी को सुन रहे हो तब आपके एक्सप्रेशंस दिखाते हैं कि आप कितने इंटरेस्टेड हो। इसलिए जब कोई आपसे बात कर रहा है, शो देम योर एक्सप्रेशंस दैट यू आर इंटरेस्टेड and you are listening to them with full focus. And when you are talking to someone, your leg and hand movements also matter and create an impact. मतलब जब आप बात कर रहे हैं तो आप बात करते वक्त अपने हाथों को movement देते हुए बात करें, जिससे सामने वाले को लगे कि you are really trying hard to make you understand something valuable. मतलब आप खुद ही सोचें कि कैसा लगेगा कि आप बात कर रहे हैं और आपके हाथ जेब में हैं। सामने वाले को आपकी बात की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं लगेगी। एंड व्हेन यू आर अ लिसनर, आप सुन रहे हैं, कोई और आपसे कुछ कह रहा है, उस वक्त भी आपका हैंड एंड लेग मूवमेंट्स बहुत मैटर करता है। मतलब अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो ऐसा ना हो कि हमारे हाथ में कोई चीज है और उससे खेल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में कीज है, आप उसको घुमा रहे हैं और सामने वाले की बात भी सुन रहे हैं। और कैसा लगेगा कि कोई आपसे बात कर रहा है और आप अपने पैर को कंटिन्यूसली हिला रहे हैं? आई मीन, व्हाट इज दिस? दिस इज रियली रॉन्ग, डोंट डू दैट। ओके, तो ये थी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो आपकी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होंगी, और इससे आपकी बात की वैल्यू भी लोगों में बढ़ सकती है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।